हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम L&T का एक फंड फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर हम इस फंड के अंदर हर महीने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आगे आने वाले टाइम में हमारे पैसे को कितनी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। क्योंकि ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 15.29% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। आगे आने वाले टाइम में भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये फंड हमें 15% का भी रिटर्न अगर प्रोवाइड करा देता है तो अलग अलग टाइम पीरियड पर हमारा पैसा कितना ग्रो करेगा, मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे, साथ ही साथ इस फंड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक जानकारी है वो भी देखेंगे, और इस फंड के अंदर ऑनलाइन घर बैठे बिना एजेंट कमीशन के कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप 2 से 2.5% का प्रॉफिट तभी से ले सकते हैं जब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, L&T एक AMC भी चलाती है, यानी L&T के अंदर अपना फंड हाउस है और L&T के कई सारे फंड्स हैं। उसी में से एक फंड है L&T हाइब्रिड इक्विटी फंड। L&T हाइब्रिड इक्विटी फंड की खास बात यह है कि इसके अंदर रिस्क काफ़ी कम होता है लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में। वहीं रिटर्न भी स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है। अब अगर आप किसी ऐसे फंड के अंदर अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं जहाँ पर भले ही आपको थोड़ा कम रिटर्न मिले लेकिन आपका कैपिटल सेफ रहे और आपके कैपिटल पर कोई संकट ना आए, तो हाइब्रिड इक्विटी फंड्स उस समय के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। L&T का हाइब्रिड इक्विटी फंड एक बेहतरीन फंड है जिसने ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 15.29% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो 13.61% का है और 3 साल का इसका रिटर्न 15.49% का है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 30.33% का रिटर्न दिया है और 6 महीने का भी इसका रिटर्न 12.44% का है। अब अगर बात करें दोस्तों कि ये फंड अपने पैसे को किन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, KPR मिल्स, इसके अलावा सोना BLW, प्रिसीजन फॉरन लिमिटेड यानी ये सोना कॉमस्टार, GOI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर भी ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील जैसी दिग्गज कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इस फंड के मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं और बेहतरीन रिटर्न मेंटेन करते हैं। अब फ्रेंड, अगर हम मान लीजिए इस फंड के अंदर हर महीने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एक आइडियल अमाउंट 500 रुपये का ले रहा हूँ। जितना अमाउंट आप 5,000 रुपये से ऊपर बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे, और जितना कम आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कम दोस्तों आपको फंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये फंड हमें आगे आने वाले टाइम में 15% का रिटर्न भी दे देता है, तो 10 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टेड अमाउंट 10 साल में हमारा होगा 6 लाख रुपए, वहीं इस्टीमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 7,93,000 रुपये के मिलेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा पैसा है वो 9-10 साल के पीरियड में ही दोस्तों डबल हो जा रहा है, और टोटल वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया 6 लाख और जो हमें पैसा बढ़कर मिला 7,93,000, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 13,93,000 रुपीज़ के आसपास हमारा फाइनल अमाउंट होगा, जो कि दोस्तों टैक्स इसमें से डिडक्ट होने के बाद में फाइनली ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब म्यूचुअल फंड की दोस्तों सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसी इन्वेस्टमेंट की 15 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो 10 साल में जो हमारा पैसा बढ़ रहा था वो दोस्तों बढ़ रहा था लगभग 7 लाख रुपये के आसपास। वहीं अगर हम अगले 5 साल की बात करें यानी टोटल 15 साल की बात करें, तो टोटल 15 साल में जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 9 लाख रुपए का होगा और इस्टीमेटेड रिटर्न्स जो इसके अगेंस्ट हमें मिलेंगे वो 24,84,000 रुपये के होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 साल से जो 15 साल के बीच का 5 साल का पीरियड है उसमें दोस्तों 2 गुने से भी ज़्यादा पैसे में ग्रोथ देखने को मिली है, और फाइनल अमाउंट 33,84,000 रुपये का होगा जो हमने इन्वेस्ट किया 9 लाख रुपये और जो इस्टीमेटेड रिटर्न्स मिला हमें 24 लाख रुपये, उन दोनों को मिलाकर। इसी तरह से अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं 20 साल तक,
तो 20 साल में दोस्तों ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 75 लाख रुपए, जबकि हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा मात्र 12 लाख रुपए। और मात्र 22 साल के टाइम पीरियड में अगर ये 15% का रिटर्न देता रहता है और हम 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो 22 साल में 13,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा जो फाइनल अमाउंट हो चुका होगा वो 1,03,53,000 रुपये के आसपास हो चुका होगा। अब दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं या आप कहीं से आपको फंड मिला है और आप मंथली 5,000 रुपये की सेविंग कर लेते हैं, आज आपकी एज मान लीजिए 30 ईयर्स है और अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके मात्र 18 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट से आपका जो फंड ग्रो हो चुका होगा वो दोस्तों 3,50,49,000 रुपये के आसपास हो चुका होगा। सिर्फ 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर ये फंड हमें 30 साल तक 15% का रिटर्न देता रहता है। तो दोस्तों आपने देखा है, आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर लमसम यानी कि 50,000, 1,00,000, 5,00,000 जितना आपका बजट हो उतना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पर करते हैं तो उसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? इन्वेस्ट करने का दोस्तों आसान तरीका है, या तो आप फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर आप गिरो के थ्रू कर सकते हैं। गिरो के थ्रू अगर आप करेंगे या जीरोधा के थ्रू आप करेंगे तो वहां से आपका कोई भी हिडन चार्ज या कोई भी एजेंट कमीशन आपसे नहीं लिया जाता, आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कैटेगरी में होता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन KYC करके इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है L&T हाइब्रिड इक्विटी फंड। धन्यवाद।